महिला अभी जो अभी रॉबिन जी आके गए हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि मैंने न्यूमरोलॉजी को एक्सेप्ट करा, लाइफ के अंदर लेकर आया। देखिए भाग्यश क्या है, मेहनत कौन भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, लेकिन चंद चेहरे ही आगे क्यों है, वाई? उन्होंने अपना भाग्य को जगा लिया है, तकदीर को जगा लिया है। तकदीर क्या है? तकदीर देखिए हमारे हाथों के अंदर जैसे केमिस्ट्री है, लकीरें, तो क्या है ये? व्हाट इज दिस? इसका कोई तो लॉजिक होगा कि भगवान वेला बैठा हुआ था, उसने ड्राइंग बना दी। ये भी एक साइंस है, साइंस को समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया है जेमलॉजी, जेमलॉजी कैसा रत्न आप उनको दे रहे हैं जो 24x7 आपकी बॉडी के साथ है, जो गैलेक्सी से एनर्जी आ रही है वो एनर्जी उस जेम के साथ जुड़ी है। मजा तो उस चीज का है ना जी, कि अगर आपके पास कोई चीज हो, जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो मंत्र क्या है, मंत्र ओरा बना लेते हैं, आभा मंडल ऐसा बन जाता है कि वो जो ऐसा आधा मंडल होता है उसके पास नेगेटिविटी नहीं आ पाती। एक बहुत अच्छा शब्द चला हुआ है, नेवर गिव अप, कुछ नहीं होता, उठो भागो चलो। भैया जो मरीज है जिसको शनि की महादशा लगी हुई है उसका तो उससे जाके पूछो उसका क्या हाल है, जो हीरो से जीरो बन गया नेवर गिव अप वो क्या कर लेगा, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। बेवजह किसी को हम ये भी बोल, आप कई बार ये भी बोला जाता है कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो वो कर लो, उसकी तो जिंदगी भर की पूंजी खराब हो जाएगी। सोच के समझ के अगर हम इन सब चीजों के ऊपर चलेंगे, जो ज्योतिष वेंटिलेटर के ऊपर आ गए ना, ये अपने कदमों के ऊपर आ गए, मेरी बात भारी लगेगी लेकिन मेरे को दो टूक बोलने की आदत है। और मैं यहां पे ये बोलता हूं बार बार, हमारा हिंदू धर्म जो है, कोई भी धर्म है, हमें धर्म के बारे में अवेयर नहीं किया गया। क्या कभी हमारे स्कूल के अंदर आके हमें समझाया गया, बताया गया? नहीं बताया गया। ये जो चीजें हैं अगर हम बचपन से ही इन सब चीजों को समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से आगे आ पाएंगे। और मैं लास्ट में सिर्फ दो लाइनें ही यहां पे बोलूंगा कि जो सीख रहे हैं, मैं तो यहां पर बोलूंगा कि कोशिश करें इसको आप एक बार अपनी बुक लो, जो आप बुक से पढ़ते हो एक बार बुक पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद 10 दिन बाद फिर पढ़ोगे नई बात नहीं नजर आ जाएगी, कुछ बनते फिर 10 दिन बाद पढ़ो फिर आ जाओ। 98 के अंदर की मैं 97-98 की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक किताब थी, मैंने 5 रुपये को ली थी 17 सेक्टर 10 टाइम के अंदर से, और वो किताब काफी बढ़िया थी, लेकिन आज भी जो मैं पढ़ता है ना तो मेरे को कुछ नया सीखने को मिलता है। सीखना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, प्लीज अपने ऊपर कंप्लीट का ठप्पा ना लगा लें। जिस दिन आप कंप्लीट हो गए तो समझेगा बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, और मैं तो आज भी बोलता हूँ आई एम अ लर्नर, और जिंदगी भर अंतिम सांस तक मैं लर्नर ही बना रहना चाहता हूँ। तो मैं विराम देता हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए, और हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना लगी हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।